अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शुरू करने लगे हैं नया टॉपिक इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। रीडिंग करना शुरू करते हैं। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, वेदर द इमेज इज रियल और इमेजिनरी, इन्वर्टेड और इरेक्ट, फॉर्म्ड इन अ मिरर। हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू आंसर दीज क्वेश्चंस, वन मेथड इज ग्राफिकल रे डायग्राम, बट वी कैन ऑल्सो आंसर दीज क्वेश्चन बाई यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला कॉल्ड द मिरर फार्मूला। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो इमेज प्रोड्यूस हुई है मिरर से वो रियल है, इमेजिनरी है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, मतलब क्या किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तो वही तरीका है कि हम रे मेथड करें, रे मेथड रे डायग्राम्स बनाने से, कि जैसे हमने इधर प्रिंसिपल फोकस के लिए किया था, कि हमें पता था कि प्रिंसिपल फोकस इस पॉइंट पे, कैसे पता लगा था, हमने ये रेज ड्रॉ की थी और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें फोकल पॉइंट पता लगा था, प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं रे मेथड, लेकिन वो कह रहा है कि उससे बेहतर एक मेथड है जो कि है फार्मूला मेथड। वो फार्मूला, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस फार्मूले की पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, इमेज डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर। अब इसने कहा है कि ये जो मिरर फार्मूला है ये तीन क्वांटिटीज को रिलेट करता है। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको पी से डिनोट करता है स्मॉल पी से, इमेज डिस्टेंस जिसको स्मॉल क्यू से डिनोट करता है, और फोकल लेंथ जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करता है। और वो फार्मूला क्या है, ये वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इन दोनों के रेसिप्रोकल, सॉरी दोनों के रेसिप्रोकल ऐड होंगे, ना कि सिंपल डिस्टेंसेस, ठीक है। इसको इन्होंने इक्वेशन 12.1 कह दिया है। इज ट्रू फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स, हाउएवर द फॉलोइंग साइन कन्वेंशंस शुड बी फॉलोड टू अप्लाई द इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिरर्स। मतलब उसने कहा कि हमने बता तो दिया है कि फार्मूला क्या है, वो यही फार्मूला है जिससे सारे ये सवाल होंगे मिरर्स के, लेकिन कुछ कन्वेंशंस भी हैं साइन कन्वेंशंस के, कब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी कब पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस क्यू कब पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ एफ कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव कब होंगे, रियल ऑब्जेक्ट। पी कब पॉजिटिव होगा, जब हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव होगा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट करते हैं ये हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में। उसके अलावा इमेज डिस्टेंस क्यू रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। फोकल लेंथ एफ कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन याद रखें, क्योंकि आगे अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसमें भी यही यूज़ हो रहे होंगे। एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ कनकेव मिरर और अ वेल पॉलिश स्पून, यूजिंग इनसाइड ऑफ द स्पून विद कनकेव सरफेस बल्जिंग इनवर्ड, होल्ड इट इन हैंड टुवर्ड्स अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट such as the sun, a building, a tree or a pole. Try to get a sharp, well-focused image of the distant object on the wall or a screen. Measure the distance of the screen from the mirror using a meter scale. Can you find out the rough focal length of the concave mirror? Draw the ray diagram to show the size image formation in this situation. Ab isne activity diya jisme hame ray diagram use karni, lekin hum behtar hai ki hum usse karein, kya kehte hain, मिरर फार्मूले से, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ डिस्टेंसेस चाहिए और सारा हमें उसके बारे में पता लग जाएगा। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो जितने भी डिस्टेंसेज इसने हमें बताए हैं मिरर फार्मूला में यूज़ हो रहे हैं, पी, क्यू और एफ, ये तीनों फ्रॉम द मिरर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इसको पी कहते हैं। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज इज कॉल्ड क्यू, और फोकल लेंथ वही जो हमने पहले शो भी की थी एफ, ठीक है, वही डिस्टेंस है फ्रॉम फोकल पॉइंट टू पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब इस एग्जांपल में उसने कहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर में हमने कन्वेंशन में पढ़ा था कि हमारा एफ नेगेटिव होगा, इसका मतलब है एफ
-46 उसने दिया हुआ है, जबकि लिखा उसने 46 सेंटीमीटर, लेकिन हम लिखते हुए यूज़ करते हुए इसको -46 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज दिस। उसके अलावा उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट भी है जो कि 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्रोड्यूस। अब हम ऑब्जेक्ट वाले में आ जाएंगे, तो जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, अब चूँकि ये रियल है इसलिए हम पी को पॉजिटिव लेंगे, पी इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, और इससे हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उससे हम 1/q या q की वैल्यू निकालेंगे जो कि नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज हमारी क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, ठीक है, जिसको हम ट्रेस बैक करेंगे जिस तरह हमने फोकल पॉइंट ट्रेस बैक किया था। अगले एग्जांपल में देखते हैं क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स निकलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब दूसरी बात, ऑब्जेक्ट भी रियल है इसलिए पी भी हमारा पॉजिटिव होगा 6 सेंटीमीटर। यूजिंग द फार्मूला, अब हम फार्मूला हमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव क्या करती है, इंडिकेट वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगले लेक्चर में हम करेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।